जय माता दी। दोस्तों, कई बार जब हम घर पर साबुन बनाते हैं तो वह बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनती है, यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा गलती है। इसीलिए आज मैं इस समस्या का हल लेकर आई हूँ। जानते हैं कि साबुन को हार्ड कैसे बनाया जा सकता है। पहला उपाय है लेस यूज़ ऑफ वाटर, कि हम पानी का कम से कम इस्तेमाल करें। दोस्तों, जब हम साबुन बनाते हैं तब आप जानते हैं कि उसके अंदर हम 4% पानी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम 4% की जगह पानी का कम यूज़ करें तो साबुन अपने आप ही हार्ड बनेगी। दूसरा उपाय है सोडियम लैक्टेट का। अगर हम 1000 ग्राम साबुन बेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें 1 टीस्पून सोडियम लैक्टेट को डिस्टिल वाटर के अंदर घोलकर साबुन के बेस के अंदर डालना है। इससे भी आपकी साबुन हार्ड बनेगी। तीसरा उपाय है नमक और चीनी का उपाय। दोस्तों, नमक और चीनी के एक एक चम्मच को डिस्टिल वाटर के अंदर घोलकर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नमक का जब हम इस्तेमाल करते हैं तब इससे साबुन का pH लेवल जो है वो बढ़ जाता है, परंतु नमक और चीनी जो है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं जो कि त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते, स्किन को क्लीन ही करते हैं और बहुत सस्ता उपाय भी है। तो हम नमक और चीनी का इस्तेमाल साबुन को हार्ड करने के लिए कर सकते हैं। चौथा उपाय है साबुन जब हमारी तैयार हो जाती है तब हम उसे कुछ देर के लिए पंखे के नीचे सूखने के लिए छोड़ दें। इससे भी साबुन का सारा मॉइस्चर उड़ जाएगा और साबुन अपने आप हार्ड हो जाएगी। पांचवा उपाय है बी वैक्स का। जब हम साबुन के बेस को पिघला रहे होते हैं तब उसके अंदर हम बी वैक्स को भी पिघला लें। दोस्तों, बी वैक्स का इस्तेमाल कम से कम करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बी वैक्स डालते हैं तो इससे साबुन का लेदर कम हो जाता है, मतलब झाग कम हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, बी वैक्स का सही ढंग से इस्तेमाल करें। तो ये थे मेरी तरफ से कुछ टिप्स जिनसे आप साबुन को हार्ड कर सकते हैं, ज़्यादा गलने से बचा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह कुछ और टिप्स लेकर फिर आऊँगी। प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।